नमस्कार दोस्तों, फिलर इंडिया चैनल पर हम आपका स्वागत करते हैं। दोस्तों, जैसे कि हमने कल बात की थी कि एग्री एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं और इसका पूरा का पूरा फिलिंग प्रोसेस हमने कल के वीडियो में डिस्कस किया था, किस तरह से आपको फॉर्म फिल करना है उसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस हमने देखा था। और अभी एग्री एडमिशन ने एक नया अपडेट दिया है। अगर आप अपने पेज पर जाएंगे और जब आप फॉर्म सबमिट करते हो, तब आप सबमिट एडमिशन फॉर्म के ऊपर अगर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर एक एरर आएगा, प्लीज फिल पेमेंट टैब, और यहाँ पर पेमेंट टैब नहीं है। तो हमने उनको कॉन्टेक्ट किया था, उन्होंने क्वेरी ऊपर डाल दिए। वो बोले कि दोपहर तक आपको एक क्वेरी सॉल्व की जाएगी और अभी आपका फॉर्म सबमिट नहीं हो रहा है, आप सिर्फ आपकी डिटेल्स भर लीजिए और इसको सेव कर लीजिए, दोपहर के बाद आप फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। और हाँ, हम आपको और एक बात बताना चाहते हैं, ये एग्री एडमिशन का फॉर्म भरने के लिए आपको कोई भी चार्ज नहीं है, ये पूरा का पूरा प्रोसेस फ्री है। अगर आप ये फॉर्म सीएटी थ्रू, नीट थ्रू, जेडब्ल्यू थ्रू या फिर एआई डबल ए थ्रू भी भरना चाहते हैं तो आपको कोई भी चार्ज नहीं लगेगा, कौन सा भी चार्ज आपसे लेने वाले नहीं है। पूरा का पूरा जो एडमिशन फॉर्म फिलिंग का प्रोसेस है वो पूरा का पूरा फ्री है। पर अभी यहाँ पर थोड़ा सा एरर दिखा रहा है, दोपहर तक ये एरर सॉल्व किया जा सकता है। एरर सॉल्व करने के बाद आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। सो दोस्तों, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, आप थोड़ा सा रिलैक्स कीजिए, शाम तक आपका फॉर्म सबमिट हो सकता है। आपको फिर से लॉगिन करने के बाद आपको सबमिट फॉर्म पर क्लिक करना होगा शाम को, और यहाँ पर एक्सेप्ट करने के बाद फिर से सबमिट फॉर्म करना है। और ये जो एरर यहाँ पर आता है, प्लीज फिल पेमेंट टैब, ये एरर बाद में नहीं आएगा। सो दोस्तों, थोड़ी देर वेट कीजिए, पूरा का पूरा प्रोसेस वो अपडेट करने वाले हैं। सो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको जो भी एग्री की अपडेट थी वो आपको समझ में आई होगी। मेन अपडेट तो यही है कि आपको कौन सी भी फीस देनी नहीं पड़ेगी फॉर्म फिल करने के लिए एग्री एडमिशन का। सो दोस्तों, बहुत सारे कमेंट में हमें स्टूडेंट्स ने पूछा था कि क्या हमें फॉर्म भरने के बाद एफसी सेंटर जाना पड़ेगा या फिर एसी सेंटर जाना पड़ेगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। तो इसका भी अपडेट्स लेके हम आए हैं, आपको कौन से भी एसी सेंटर जाना नहीं पड़ेगा, आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आपको एक ही काम करना है, अपने जो डॉक्यूमेंट है वो ठीक तरह से आपको अपलोड करने हैं, और अपलोड करने के बाद अगर आपके डॉक्यूमेंट में कोई क्वेरी रह जाती है तो आप उसे बाद में भी अपलोड कर सकते हैं। बाद में कब? जब ग्रीवेंस पीरियड आपका स्टार्ट होगा, यानी कि 16 तारीख से लेकर 20 तारीख तक आपका ग्रीवेंस पीरियड है। इस ग्रीवेंस पीरियड में आप अपने जितने भी डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बाकी रह गए, या फिर आपका डॉक्यूमेंट गलत अपलोड हुआ है, या फिर आपका डॉक्यूमेंट KTPL को व्यू नहीं हो रहा है, तो आपको फिर से डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ेगा। उसके लिए आपको अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड संभाल के रखना है, और हर एक दिन आपको लॉगिन आईडी और पासवर्ड का यूज करके आपको लॉगिन करना है और देखना है क्या अपडेट्स आई है। और आपको किसी भी एसी सेंटर या फिर एफसी सेंटर को विजिट करने की जरूरत नहीं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, ये पूरा का पूरा प्रोसेस ऑनलाइन है। आपको सिर्फ एक काम करना है, हर एक दिन आपको लॉगिन करके अपने अकाउंट में जाकर देखना है कि क्या कोई आपका ग्रीवेंस या फिर आपका नाम प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में नहीं है, तो फिर आप किसी ना किसी ग्रीवेंस में अटके होंगे। तो ग्रीवेंस आप सॉल्व कीजिए 16 तारीख से लेकर 20 तारीख तक, फिर आपको फाइनल मेरिट लिस्ट में आपका नाम आ जाएगा। सो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको इतना ही बताना चाहता हूँ कि आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए किसी भी एफसी सेंटर जाने की जरूरत नहीं है, ये पूरा का पूरा फॉर्म प्रोसेस फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको पेमेंट करने की भी जरूरत नहीं है। आपका फॉर्म अभी सबमिट नहीं हो रहा होगा तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तो शाम तक आपकी क्वेरी सॉल्व की जाएगी और आप शाम तक फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। ये वाला जो एरर आता है फिल पेमेंट टैब का, वो शाम तक रिमूव हो जाएगा। सो दोस्तों, धन्यवाद। अगर आपको एमएसटी सीएटी एडमिशन 2019 या फिर एग्री एडमिशन 2019 के बारे में जितनी भी डिटेल्स आपको चाहिए, वो सारे के सारे अपडेट्स हम यहाँ पर आपको देने वाले हैं, इसीलिए आपको सिर्फ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और बेल आइकॉन दबाना होगा। धन्यवाद।